Okay, so we are into now reverse mapping of business strategies from marketplace using data analytics. तो एक छोटा सा यूनिट है, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसको एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ये पुराने सिलेबस में नहीं होता था। तो रिवर्स मैपिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या बोलता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। देर आर टू अप्रोच ऑफ लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वन इज वी कॉल एज टॉप डाउन अप्रोच, अनदर वी कॉल एज बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच होता है जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट अपने हिसाब से कुछ उद्देश्य सोचता है और फिर उसी के हिसाब से आप समझ लीजिए कि रिसोर्सेज जुगाड़ करके आदमी लोग को करने बोलता है। टॉप मैनेजमेंट थिंक्स एवरीथिंग, तो इट्स ड्रिवन बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट जो सोचा वो ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। मैनेजमेंट जो सोचा वही होगा, तो मैनेजमेंट को अगर सही क्लिक कर गया तो चल गया, और मैनेजमेंट को अगर क्लिक नहीं किया तो बम बम बोले हो गया। बॉटम अप अप्रोच क्या कहता है ऑन द कॉन्ट्रारी, कि कस्टमर जो सोचे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहां पे सर बोलेंगे इंप्लॉय जो सोचे, बट फिर तो वही रिस्क हो गई कि इंप्लॉय जो सोचा तो चल गया, फिर नहीं तो बम बम भोले हो गया। तो हम लोग बॉटम अप अप्रोच में क्या बोलते हैं, कस्टमर जो सोचे। ठीक है, तो जब पहले मैनेजमेंट सोचता था उसको बोलते थे एंड वेज मींस। क्या बोलते थे? एंड वेज मींस। बट उसमें कौन सोचता था? मैनेजमेंट सोचता था। एंड मतलब ऑब्जेक्टिव, वेज मतलब स्ट्रेटजीज, और मींस मतलब रिसोर्सेज। जब टॉप डाउन में मैनेजमेंट सोचता था तो उस तरीका का नाम था एंड वेज मींस, और बॉटम अप अप्रोच जब सोचने लगे तो आ गया, इसका नाम पड़ गया रिवर्स मैपिंग। ठीक है, रिवर्स मैपिंग में कस्टमर क्या चाहता है वो पता करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग एक्शन प्लान सजाते हैं, और उसके हिसाब से मैनेजमेंट सोचता है कि अब इनको क्या लाके दें जिससे कस्टमर जो चाहता है वो फुलफिल हो जाए। तो मॉडर्न जमाने में ये रिवर्स मैपिंग ज्यादा सही है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, माहौल बहुत अनसर्टेन है, बट ये ट्रेडिशनल जमाने से चला आ रहा है। तो चला आ रहा मतलब ये खत्म हो गया ऐसा नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच इज स्टिल प्रिवेलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। द अप्रोच ऑफ बॉटम अप विल बेसिकली गिव एन एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन अनसर्टेन एनवायरमेंट। ठीक है, हेल्प्स इन अनसर्टेनिटी। तो अब इसी को लेके हम लोग जो नीचे नोट्स दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। एक बेसिक आउटलुक आपको समझ में आ गया है। तो एक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटजी क्या होता है। स्ट्रेटजी मतलब तो आप लोग को अभी तक अंदाजा लग ही चुका है, व्हाट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब तो आप लोग को अंदाजा लग ही चुका है, व्हाट इज स्ट्रेटजी ऑल अबाउट, स्ट्रेटजी क्या होता है। सो गाइस, स्ट्रेटजी होता है कि आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव करेंगे। व्हाट इज स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी मतलब होता है वेज ऑफ अचीविंग द गोल। देखो यहाँ पे वेज में मार्क किया हुआ ना, किस तरह से अपने गोल को अचीव करेंगे। ओके, अब वेज में पुराने जमाने से अलग अलग सोच रही है। ठीक है, क्या क्या सोच होती है लोगों की वो सोचो, लोगों की सोच क्या क्या रही है वो सोचो। जैसे सोच रहती है, फॉर एग्जाम्पल, कि फाइनेंस को बेटर मैनेज करेंगे। देर इज वन वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेटजी विच इज कॉल्ड एज फाइनेंस को मैनेज करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे चलते हैं, डेट ज्यादा उठाते हैं, इक्विटी कम लेते हैं। जो आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो, कभी इंटर में पढ़े थे, तो फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे वर्क करेंगे। कुछ लोग के लिए वर्क कर गया और वो चल गया, कुछ ने बोला नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे वर्क करेंगे, जीरो डिफेक्ट्स पे काम करेंगे, रीवर्क नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चीज देंगे। कुछ के लिए वो चल गया, कुछ के लिए इनोवेशन चल गया, इनोवेशन मतलब कुछ नया करते हैं वो चल गया, कुछ के लिए कस्टमर ओरिएंटेशन चल गया। तो
कस्टमर ओरिएंटेशन मतलब कस्टमर क्या चाहता है, कैसा चाहता है, अगर आप वो सोच पा रहे हैं और वैसा करके दिखा पा रहे हैं तो वो चल गया। जैसे अमेजोन है, उसका कस्टमर ओरिएंटेशन चल गया। ठीक है, तो सबने अपना अपना कुछ वेज निकाला टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ओके, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी नॉर्मली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कई बार ये देखे गए हैं कि बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये मेरे तरफ से एक एक्स्ट्रा ज्ञान है कि बहुत सारे स्ट्रेटजी जब बनाएंगे ना तो इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आ जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि आदमी लॉस्ट हो जाता है। तो इंसान को हमेशा ध्यान रखो, ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है जो वो इम्प्लीमेंट भी कर सके। इसलिए एक थ्योरी चलती है, लेस इज मोर, जितना कम करो उससे ज्यादा अचीव कर पाओगे। हम लोग ज्यादा स्ट्रेटजीज खोल देंगे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग यदि ज्यादा स्ट्रेटजीज ओपन कर देंगे तो हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने आप को एग्जीक्यूटेबल बना के रखना है, तो लेस स्ट्रेटजी पे जाना चाहिए। बहुत सारे थिंकर्स कहते हैं कि सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब में से कोई एक ही होनी चाहिए। हाउएवर, आप कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक से काम कर पाओ, कोई ऐसा रूल नहीं। तो स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कैसे कैसे सोचें, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कैसे कैसे सोचें, अगर हमें ये सवाल दिया जाए, तो बहुत सारे टूल्स भी लोगों ने बना रखे हैं। मतलब बड़े बड़े ऑथरों ने टूल्स दे रखे हैं कि आप कैसे अपने स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो टूल में बहुत सारे टूल्स हैं, और एक टूल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है बैलेंस स्कोर कार्ड। क्या नाम है टूल का? बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो ये स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कराने के लिए टूल्स चाहिए। ठीक है, टूल्स में बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से एक टूल है बैलेंस स्कोर कार्ड। अब बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करेगा? ये एक ऐसा टूल है जो आपके ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करके, ये एक ऐसा टूल है जो आपके ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करके अचीव कराने में हेल्प करेगा। व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स? एक पर्सपेक्टिव है फाइनेंशियल, ये बोलते सबसे पहला पर्सपेक्टिव है। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी का अचीव होगा तभी कंपनी चलेगी। कंपनी का गोल ये शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगा? जब कंपनी का यहां पर फाइनेंस आएगा, यानी कि प्रॉफिट्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, तो शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। अगर आपको ये मैक्सिमाइजेशन करना है तो सेकेंड नंबर फाइनेंशियल के बाद आपको सुनना पड़ेगा अपने कस्टमर की आवाज कि कस्टमर क्या चाह रहा है आपसे। व्हाट इज कस्टमर एक्सपेक्टिंग? व्हाट यू आर स्टिल अनेबल टू डिलीवर? अब कस्टमर बहुत सारा चीज एक्सपेक्ट कर सकता है। अगेन, लेस इज मोर। आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाला चुन के निकालना है। फिर कस्टमर पर्सपेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने अंदर हम लोगों को कुछ इंटरनल बिजनेस में चेंजेस लाना पड़ेगा। अब इंटरनल बिजनेस में चेंजेस का मतलब क्या होता है? वे ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन साइकिल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोगों को कस्टमर सर्विस सेंटर्स खोलकर वहां पर उनको सर्व करने पड़ेंगे। तो ये सब इंटरनल बिजनेस का पार्ट है, जहां पर आप कस्टमर को सर्व कैसे करेंगे वो सोच रहे हैं। कस्टमर को क्या चाहिए, बट उस चाहिए के लिए क्या लगेगा, क्या करना पड़ेगा, वो इंटरनल बिजनेस का पार्ट है। और इंटरनल बिजनेस में जो भी चेंजेस करना पड़ेगा उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे बाय वे ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड सिस्टम्स। बेसिकली अपने लर्निंग एंड ग्रोथ ही बोलते हैं। लर्निंग ग्रोथ मतलब इम्प्लॉय ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर लाने पड़ेंगे, सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। तो वो सब जब आप करोगे तो इम्प्लॉय इजिली इंटरनल बिजनेस में जो करना है वो करके दे पाएगा, और इंटरनल बिजनेस में अगर वो हो गया तो कस्टमर खुश हो जाएगा,
और आपसे प्रोडक्ट्स बाय करेगा, आप ही के साथ लगे रहेगा और आपका फाइनेंस अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड एक टूल है, बट इसका अप्रोच किस तरीके से है, ये बोलता है पहले तुम अपना फाइनेंस सोचो कि तुम क्या चाहते हो और वहां से रिवर्स जाओ। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे क्या ये रिवर्स मैपिंग है या टॉप डाउन है, आप खुद सोचो, ये बैलेंस स्कोर कार्ड रिवर्स मैपिंग है कि टॉप डाउन है, खुद सोचो। ये ज्यादा टॉप डाउन को प्रेफर कर रहा है, ठीक है, टॉप डाउन को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस टॉप डाउन ही सोचता है, मैनेजमेंट ही सोचता है। अगर हम रिवर्स मैपिंग करेंगे तो थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। रिवर्स मैपिंग में हम पहले ये सोचेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है, फिर हम सोचेंगे कि हमको उसके लिए क्या चेंज करना है, फिर हम सोचेंगे आदमी को कैसे ट्रेन करें, तो फिर उन सबसे फाइनेंस क्या आएगा। तो रिवर्स मैपिंग में फाइनेंस को हम लास्ट में डाल देंगे, समझ गए। तो ये है स्ट्रेटजी मैपिंग, ये जो है ना, ये पूरा जहां पर आप एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से कनेक्ट करके सोचते हो कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स मैपिंग। क्या कहते हैं एक बार फिर से बोलो, रिवर्स मैपिंग। व्हाट डू यू कॉल इट, रिवर्स मैपिंग, यू कॉल इट रिवर्स मैपिंग। तो यही पूरा यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां पर है कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर चाहता क्या है ये पता कैसे चले। तो इसके लिए तो बहुत सिंपल है, कस्टमर से बात करो, टॉप मैनेजमेंट जाओ, कस्टमर से बात करो, सर्वे करो। तो आजकल मॉडर्न जमाना एक और आ गया है, कस्टमर से बात और सर्वे करने जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। तो मॉडर्न जमाना कहता है डेटा एनालिटिक्स करो। डेटा एनालिटिक्स मतलब जैसे आप कस्टमर्स का बिहेवियर और पैटर्न को स्टडी करने का कोई सिस्टम बनाओ। तो डेटा एनालिटिक्स करने से आपको पता चल सकता है कि कस्टमर चाहता क्या है। जैसे उबर ओला, उबर ओला क्या है ना, आपने अगर यूज किया उबर ओला का सर्विस, तो उधर क्या है, जैसा कस्टमर जहां पर गाड़ी डिमांड करता है वहां पर गाड़ी को अवेलेबल रखने के लिए प्रावधान बनाया जाता है। उनका सॉफ्टवेयर जानता है डेटा एनालिटिक्स करके कहां से कस्टमर्स ज्यादा गाड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लोग अपने ड्राइवर्स को बोल देते हैं तुम इस एरिया में रहो, तुमको कस्टमर मिल जाएगा, क्योंकि वहां से रिक्वेस्ट आता है कितना बजे से कहां से कितना कस्टमर मिल सकता है, उनको ये पता है। तो ड्राइवर को इंफॉर्मेशन चला जाता है कि ड्राइव इन दैट लोकेलिटी टू गेट द कस्टमर्स। तो ये है डेटा एनालिटिक्स का प्रावधान। अच्छा, आपने कभी सोचा है, हम लोग के घरों में अपने शैम्पू लाते, शैम्पू तो शैम्पू एक रुपए का भी लाते हैं और शैम्पू हम लोग बड़ा बॉटल भी ले आते हैं बहुत बार, तो कौन सा ज्यादा बिकता है, बॉटल ज्यादा बिकता है कि एक रुपए वाला जो पाउच आता है वो ज्यादा बिकता है, सोचो। ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहां की अभी भी 60% जनता गरीबी रेखा से नीचे है, तो यहां पर कहां से वो बॉटल वाला शैम्पू अफोर्ड करेगा। अभी भी क्या ज्यादा चलता है, पाउच वाला शैम्पू। पाउच वाला शैम्पू जब आपके यहां यूज हो रहा है तो आप समझ जाओ कि ये आपका ही डिमांड है जिसके लिए कंपनी वो पाउच में शैम्पू बना के दे रहा है। तो पहला ऐसा कंपनी था साउथ इंडिया का, चिक बोलकर, चिक CHIK, तो चिक ने ऐसा मार्केट सर्वे किया कि सेल क्यों नहीं हो रहा है, तो पता चला कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर इतना बड़ा पैकेज है कि उसके लिए इतना प्राइस ही नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने एक एक रुपए का पैकेट में शैम्पू को पैकिंग करना शुरू किया और सेल्स थमाथम बढ़ गया, थमाथम। तो कस्टमर जैसा चाहता है वो स्टडी करके उसके हिसाब से अंदर में प्रोसेस चेंज करो, लोगों को ट्रेन करो और फिर देखो फाइनेंस का मजा, दमादम दमादम। समझ में आया आपको, अभी हेडिंग पूरा समझ में आ गया, रिवर्स मैपिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रॉम मार्केट प्लेस यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। अब पूरा कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। तो अब पढ़ लेते हैं यहां पे नीचे में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे पहला पैराग्राफ में मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड सम पीपल से फाइनेंशियल प्लान, सेकेंड नंबर क्वालिटी, थर्ड नंबर कस्टमर, फोर्थ नंबर ह्यूमन रिसोर्स और लर्निंग। मैंने एक अपने तरफ से भी बता दिया इनोवेशन,
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, देयर आर फाइव क्रूशियल डॉक्ट्रिन्स फॉर बिल्डिंग अ होलिस्टिक स्ट्रेटजी। आप ऐसे बोल सकते हैं फाइव डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन्स मतलब रूल्स टू बिल्ड होलिस्टिक स्ट्रेटजी। मतलब स्ट्रेटजी खाली सोचने से नहीं होता, पूरा होलिस्टिकली बिल्ड करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रेटजी को होलिस्टिकली बिल्डअप करना चाहते हैं तो वेज क्या है, खाली स्ट्रेटजी सोचने से नहीं होगा, आपको स्ट्रेटजी को ऑपरेशनल टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर हमने चिक शैम्पू का एग्जाम्पल लिया कि चिक शैम्पू ₹1 में पैकेट में डालना है, तो ऑपरेशनल टर्म्स में सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरह का फिर मशीनरी लाना है, ठीक है, उस मशीनरी के लिए कितना बड़ा जगह चाहिए, उस मशीनरी को चलाएगा कौन, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। जब ऐसे सोचने लगे तो वो हो गया स्ट्रेटजी ट्रांसलेशन इनटू ऑपरेशनल टर्म्स। फिर अलाइनमेंट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी, सब कोई इस चीज को माने, एम्प्लॉय लोग नहीं तो बोलने लगेगा अरे ये क्या आप लोग ले आए, ये क्या करने बोल रहे हैं, छुटा छुटका काम, पैकेट बनाओ, ये बनाओ। बट उनको भी समझाना पड़ेगा, नहीं तो लोग काम ही नहीं करेंगे उस स्पीड से। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजी इनटू एवरीडे पर्सपेक्टिव फॉर ऑल एम्प्लॉयज, क्या बोल रहे हैं यहां पर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजी इनटू एवरीडे पर्सपेक्टिव फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब ये भी सोचना बहुत क्रिटिकल होता है, जहां पर हम ये सोचते हैं कि जो स्ट्रेटजी हमने सोचा वो हम किस तरह से हर एम्प्लॉय का डेली रूटीन वर्क में घुसाएं। ये बहुत जबरदस्त चीज बोला है। और आपको पता है रियल वर्ल्ड में ये 5 स्टेप को करने के लिए बड़े बड़े कंसल्टेंट्स आते हैं कंपनी में, करोड़ों करोड़ों रुपया ले जाते हैं। इतना इजी काम है ये है ही नहीं, दिखने में आपको लग रहा है क्या है 5 स्टेप है, अरे 5 स्टेप नहीं है भैया, ये पहाड़ है। एवरीडे पर्सपेक्टिव में आदमी को हम कैसे बोले कि तुमको दिन भर क्या करना है जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, उसका पूरा रूटीन दिनचर्या चेंज करना पड़ेगा। फिर अगेन स्ट्रेटजी का जो थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी आप ये सोच के चले और फिर उससे से काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये आपको फिर से चेंज करके देखना होगा कि क्या और चेंज करें जिससे कि हम लोगों का रिजल्ट्स आए। और लास्टली मोबिलाइज चेंज थ्रू ऑपरेटिव लीडरशिप। ऑपरेटिव लीडरशिप मतलब आप अपने डे टू डे एम्प्लॉयज को अकेले छोड़ के मत चले जाना, ये मत सोचना कि बस स्ट्रेटजी बना दिया तो तुम कर लोगे, डे टू डे उनके साथ रिव्यू में लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले क्या होता, इन अर्लियर वर्क्स ऑथर्स डेवलप बैलेंस स्कोर कार्ड एंड ओपाइन दैट अनलेस एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इट्स ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ 4 perspectives, जो बैलेंस स्कोर कार्ड का जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ परस्पेक्टिव। इसमें क्या बोला गया कि ये बोला गया कि आपको जब तक आप बैलेंस स्कोर कार्ड में अपनी सारे स्ट्रेटजी को कनेक्ट नहीं करोगे आपका स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और बैलेंस स्कोर कार्ड में जब स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते हैं या सजाते हैं तो उसको अपने स्ट्रेटजी मैप भी बुलाते हैं। स्ट्रेटजी मैप इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 perspectives ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। स्ट्रेटजी मैप इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्पोनेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। ये बताता है कि क्या करने से क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट मतलब होता है क्या करने से क्या होगा। जैसे फाइनेंशियल चाहिए तो उसके लिए कस्टमर पे क्या करेंगे, कस्टमर चाहिए तो उसके लिए इंटरनल बिजनेस में क्या करेंगे, इंटरनल बिजनेस चाहिए तो उसके लिए लर्निंग एंड ग्रोथ पे क्या करेंगे। समझ में आया? तो ओवरऑल स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजी मैप पे डाल देना चाहिए। स्ट्रेटजी मैप क्या है, इट इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्लीमेंटेशन। तो स्ट्रेटजी खाली बनाने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्लीमेंटेशन। ओके, जैसे आपने यहां पे 5 स्टेप बोला,
तो उसमें एवरीडे पर्सपेक्टिव में आदमी जो काम कर रहा है वो भी स्ट्रेटजी मैप में या बैलेंस स्कोर कार्ड में घुसा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, स्ट्रेटजी मैप रिप्रेजेंट्स हाउ अ नेशन क्रिएट वैल्यू, स्ट्रेटजी मैप कनेक्ट्स डिफरेंट परफॉर्मेंस टारगेट्स इनटू म्यूचुअली सपोर्टिव फंडामेंटल चेन विच एड्स अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी मैप क्या है, कनेक्ट करता है डिफरेंट परफॉर्मेंस टारगेट्स। स्ट्रेटजी मैप क्या करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट परफॉर्मेंस टारगेट्स। स्ट्रेटजी मैप क्या करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट परफॉर्मेंस टारगेट्स, कनेक्ट्स डिफरेंट परफॉर्मेंस टारगेट्स, ठीक है, इनटू अ म्यूचुअली सपोर्टिव फंडामेंटल चेन। म्यूचुअली सपोर्टिव मतलब एक दूसरे से जहां पे हेल्प होते रहेगा, विच एड्स अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो परफॉर्मेंस टारगेट का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो कस्टमर में क्वालिटी इंप्रूव करना है तो एक टारगेट लिया जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव मतलब क्या, डिफेक्ट रेट को 80% पे लाना है। अभी मान लो 60% डिफेक्ट होता है तो 80% पे लाना है कि 80% करेक्ट आ जाए। अभी डिफेक्ट रेट मान लो, मैं बोलना चाह रहा हूं इस तरह से कि आउट ऑफ 100 अभी 60 रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, 60 डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो अपने को वो डिफेक्ट रेट को बेटर करना है, बेटर करना है मतलब अपने को ऐसा लाना है कि डिफेक्ट और कम आए, 20 ही डिफेक्ट आए या 60% गुड आ रहा है तो अब 80% गुड आए, ऐसा कुछ। तो वो टारगेट आपको यहां पे सेट करना पड़ेगा और उस टारगेट से ही बेसिकली ये जो पॉइंट था ना कि एवरीडे पर्सपेक्टिव में कनेक्ट हो जाएगा, तो वो टारगेट से ही कनेक्ट होता है। और इसके बाद यहां पर बोल रहा है आपका ये परफॉर्मेंस टारगेट्स इस तरह से डाला जाए जिससे कि ये करे तो ऊपर वाला आ जाए, वैसे नीचे वाला करे तो ऊपर वाला आ जाए, क्वालिटी बढ़ाना है यहां पर तो यहां पे क्या करे, ठीक है। तो एक दूसरे से ये टारगेट एक दूसरे को हेल्प करे, कनेक्ट्स डिफरेंट परफॉर्मेंस टारगेट इनटू म्यूचुअली सपोर्टिव फंडामेंटल चेन, ये यहां बोल रहा है। क्लियर है, देखो यहां पे एक सैंपल दिया हुआ है कि अगर हम लोग को फाइनेंशियली ये सोचना है कि प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हम लोगों को मिलना चाहिए या प्रॉफिटेबल ग्रोथ होना चाहिए, ये हमारा की गोल है, ये हमारा गोल है प्रॉफिटेबल ग्रोथ होना चाहिए, तो उसके लिए दो पॉइंट निकाला गया कि प्रॉफिटेबल कस्टमर हाथ में रहना भी चाहिए और नया प्रॉफिटेबल कस्टमर मिलना चाहिए। प्रॉफिटेबल ग्रोथ का मतलब क्या है कि प्रॉफिटेबल कस्टमर हम लोग के पास रिटेन होना चाहिए और नया भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या करना पड़ेगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव में डिलीवरी एक्सपेक्टेशन मीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंटरनल बिजनेस में ऑन टाइम डिलीवरी के लिए सारे सिस्टम्स बिठाने पड़ेंगे और लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए आदमी को ट्रेंड और मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला ब्लिंकिट, ये अपने तरफ से मैंने बोला, यहां नहीं लिखा हुआ है कि ब्लिंकिट यही करता है। अगर आप ब्लिंकिट ऐप यूज नहीं किए तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं, ब्लिंकिट ऐप में क्या नहीं हो सकता है, गजब हो सकता है, गजब होता है ब्लिंकिट ऐप। चलिए अभी डाउनलोड करिए और देखिए ब्लिंकिट ऐप, अगर यूज नहीं किया तो डाउनलोड करिए ब्लिंकिट। किया डाउनलोड और अब क्या करो, आप कुछ एक चिप्स का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल ऑर्डर कर लो। अगर आपके लोकेलिटी में ब्लिंकिट सर्विस है तो मजा देखो, मतलब पलक झपकते ही वो लेकर आ जाता है। तो ये क्या है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है डिलीवरी ऑफ डेली गुड्स विद इन 15-20 मिनट्स। तो उसके लिए ब्लिंकिट ने क्या चेंजेस किया होगा इंटरनल बिजनेस में और किस तरह से अपने आदमियों को ट्रेन किया होगा वो इमेजिन करो। और इसका रिवॉर्ड ये है कि ब्लिंकिट का जो आज वैल्यूएशन है स्काई रॉकेट है, आप जस्ट गूगल करके देखो वैल्यूएशन ऑफ ब्लिंकिट, स्काई रॉकेट, ह्यूज वैल्यूएशन, सम लाख करोड़ रुपीज का वैल्यूएशन, दैट इज इट्स फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। समझ में आया आपको। देखो फिर फर्दर क्या लिखा हुआ है, दस स्ट्रेटजी मैप इज विजुअलाइजेशन ऑफ
द लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स इन बैलेंस स्कोर कार्ड मेथोडोलॉजी एज इट एक्ट्स एज अ रेडी रेफरेंस ऑफ वैल्यू क्रिएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रेटजी मैप इज कंसेप्चुअली अ पार्ट ऑफ BSC एंड द फोर्थ स्टेप इन 9 steps ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी मैप. ठीक है, अब ये 9 steps ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो हम लोग के यहाँ पे कोर्स में नहीं है. अभी हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हैं कि स्ट्रेटजी मैप इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड. स्ट्रेटजी मैप क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड का पार्ट है. स्ट्रेटजी मैप क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड का एक पार्ट है. अब नेक्स्ट पढ़ो, स्ट्रेटजी फॉरवर्ड और रिवर्स. फॉरवर्ड मतलब ये है, वो ये एंड वेज मीन्स, जिसको अपने टॉप डाउन अप्रोच बोलकर पढ़े. एंड मतलब ऑब्जेक्टिव, वे मतलब स्ट्रेटजी, मीन्स मतलब रिसोर्सेज. ठीक है, फिर इस मॉडल को लेकर काफी आर्ग्यूमेंट होने लगे क्योंकि अनसर्टेनिटीज से ये सफर करता है, नेवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट. क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हो उस तरह से आपका कस्टमर आपको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा ये हम नहीं जानते हैं. तो इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कस्टमर एट द एंड ऑफ वैल्यू चेन बैठता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप अपना वेज सोचकर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें तो बेहतर है. तो रिवर्स मैपिंग इज एन ऑल्टरनेटिव मॉडल टू ट्रेडिशनल एंड वेज मीन्स विच काउंटर्स द सिंपल लॉजिक ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल. द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन इज प्रिडिक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ्स कैन बी लेड अक्रॉस द रोड टू अटेन द स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल को काउंटर कर रहा है. ट्रेडिशनल मॉडल कहता है कि वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन इज प्रेडिक्टेबल, जबकि ये ट्रेडिशनल थॉट है. मॉडर्न थॉट क्या कहता है? मॉडर्न बोलता है कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल. मॉडर्न थॉट क्या कहता है? कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल. व्हाट इज मॉडर्न थॉट? मॉडर्न थॉट इज सेइंग दैट कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल. ठीक, सो इसको काउंटर कर रहा है रिवर्स मैपिंग. आगे बढ़ते हैं. रिवर्स मैपिंग, रिवर्स मैपिंग क्या है? इट इज अ बॉटम अप अप्रोच वेयर द फीड इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज द एपिटोम ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. जो कस्टमर फीड दे रहा है, फीड मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, डेटा दे रहा है, वही एपिटोम है स्ट्रेटजी बनाने, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए. एग्जाम्पल जैसे मैंने चिक शैम्पू को दिया था, वो यहाँ पे केस स्टडी दिया, वो आप पढ़ सकते हैं बाद में. फिर यूज ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स इन रिवर्स मैपिंग. तो लास्ट कुछ ईयर्स में एक नया वर्ड आ गया है, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स इज द बज वर्ड फॉर कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, अभी नया बज वर्ड तो AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे, बट उसके पहले चल रहा था डेटा एनालिटिक्स. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज इज इन द लुकआउट फॉर मेकिंग सेंस ऑफ कैप्चरिंग डेटा एंड यूजिंग देम फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. वो सोच रहा है डेटा से हम कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें. डेटा स्पीक्स, लोग बोलने लगे डेटा स्पीक्स, डेटा बोलता है. देयर इज सम इनहेरेंट मीनिंग इन द डेटा व्हिच बिकम्स ऑब्जर्वेबल व्हेन इट इज प्रोसेस्ड एंड इंफॉर्मेशन इज गॉट. बिजनेस एनालिटिक्स इज द फैकल्टी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा एट द डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस. बिजनेस एनालिटिक्स क्या है? इज द फैकल्टी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रॉ डेटा एट द डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस. अगर आपके सामने बहुत सारा रॉ डेटा है तो आप किस तरीके से उसमें से काम का मीनिंग निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसी को बिजनेस एनालिटिक्स बोलते हैं. The main goal of business analytics is to extract meaningful insights from data that an organization has at its disposal. जिसके पास जो data है उससे meaningful information या insights कैसे निकाले उसी को business analytics कहते हैं. Business analytics का use क्या है? पहला use हो सकता है budgeting and forecasting. ये uses है, ठीक है. Budgeting और forecasting मतलब आप पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को कितना बजट अपने लिए रेडी रखना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. जैसे कस्टमर का अगर रिक्वायरमेंट मालूम है तो उसके हिसाब से
हम लोग को बैक कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा ना कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना बजट हम लोग अपने हाथ में रख के रखें। सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेकेंड नंबर क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर पाओगे। यू विल गेट टू नो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट न्यू टू डू, बिकॉज यू विल बी नोइंग हाउ कस्टमर्स रिएक्टेड टू प्रोडक्ट फीचर्स इन द पास्ट। तो एनालिस्ट कैन हेल्प गाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर। तो एनालिस्ट लोग को पता चल जाता है कि किस तरह का प्रोडक्ट में क्या फायदा है। यहां तक कि आप सोच लीजिए कि वो लोग ये भी वेबसाइट का भी पता लगा लेते हैं कि कहां पे क्या बटन देकर फायदा है, कहां पे क्या बटन का कलर देके फायदा है, यहां तक भी पता चलता है। क्योंकि कलर जब चेंज किया था तो उस कलर से रिस्पॉन्स बढ़ गया था कि नहीं बढ़ा था, ऐसे छोटा छोटा चीज पे ध्यान दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। तीसरा पॉइंट क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स का क्या बोल रहे हैं हम लोग कि बाय अंडरस्टैंडिंग की मेट्रिक्स सच एज लीड टू कन्वर्जन रेट, अगर कस्टमर ने इंक्वायरी किया और उसके बाद से लेकर जब तक कि वो पैसा नहीं दिया तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो इन लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट्स आप जान सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को ठीक से एनालाइज करें तो। मार्केट एनालिस्ट कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ लीड्स देयर एफर्ट्स मस्ट जनरेट टू फिल द सेल्स पाइपलाइन। बैक कैलकुलेशन भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमें पता चल जाए कि हमें कितना कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन मतलब कितना जन से रुपया आना चाहिए कस्टमर्स, कन्वर्जन मतलब होता है नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हम लोग को वहां पे आके रुपया दे दिया। तो हम लोग को अगर कन्वर्जन रेट मालूम है तो हम इससे बैक कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हैं कितना लीड्स हम लोगों को चाहिए। जैसे हम लोग अगर बोले कि हमें 2000 कन्वर्जन चाहिए, 50% कन्वर्जन रेट है, तो 4000 लीड्स हम लोगों को लाने पड़ेंगे, 4000 लीड्स हम लोगों को जनरेट करने पड़ेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है कि बिजनेस में चांसेस ऑफ लॉस होते हैं, देर आर यूजुअली सम चांसेस ऑफ लॉस इन एवरी बिजनेस। तो अगर वो लॉस को अभी से प्रेडिक्ट कर ले तो अभी कहां पर क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज कर दे, क्या मेथड्स चेंज कर दे जिससे कि वो होने वाला लॉस रुक जाए, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री में मिस हैपनिंग होने का संभावना है तो अभी से क्या कॉस्ट इफेक्टिव मेजर ले ले जिससे कि वो रिस्क बच जाए, लॉस होने से हम अपने आप को बचा पाए। तो ये यूजेस है, ऐसे ये चार यूजेस दिया हुआ है, बट यही चार है ऐसा मत सोचना, ये चार से भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो जैसे आपको यहां पे बताया गया कि क्या क्या बजटिंग एंड फोरकास्टिंग आप कर सकते हो। अच्छा, बजटिंग और फोरकास्टिंग में डिफरेंस आपको मालूम है। बजटिंग मतलब हो गया कि आपको एग्जैक्टली आने वाले पीरियड में क्या लगेगा, उसको बजटिंग कहते हैं। और फोरकास्टिंग मतलब क्या आने वाले पीरियड में हमारे साथ हो सकता है। जैसे फोरकास्टिंग हम कब करेंगे, जब हमको ये सोचना है कि हमारे दुकान में कितने ग्राहक आएंगे, उसको हम फोरकास्टिंग में लेंगे। अब अगर इतने ग्राहक आ गए तो उसके लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, क्या रिसोर्सेज जुगाड़ करने पड़ेंगे, उसको बजटिंग बोलते हैं। ओके, तो एनालिस्ट हिस्टोरिकल डेटा से पता लगा सकता है कि क्या आपके यहां पर होने वाला है और उसको लेकर वो पता लगा लेगा कि फिर क्या आपको खर्चा करना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ में आ गया, मार्केटिंग एंड सेल्स समझ में आ गया। सेल्स मतलब नॉर्मली होता है कन्वर्जन, इसको वो कहते हैं सेल्स। और मार्केटिंग मतलब होता है कि ऐसा क्या करे कि लीड्स आ जाए, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। यहां पे होता है सेल्स, ठीक है। सेल्स मतलब ये काम है, कन्वर्जन रेट्स, कन्वर्जन रेट को बढ़ाना को सेल्स बोलते हैं और लीड जनरेट करने को मार्केटिंग बोलते हैं। तो दोनों में हेल्प करता है,
और रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रिकमेंडेशंस आपको देगा, जिससे कि आपको भविष्य में होने वाला चीज को अभी से कैसे रोका जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स चार टाइप के हैं, फोर टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस विच टेल्स अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट इन अ सिचुएशन सिमिलर टू द करेंट। सेकेंड टाइप है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स विच टॉक्स अबाउट कि व्हाई दैट हैज हैपेंड, व्हाई दैट सिचुएशन हैपेंड। थर्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस विल बेसिकली टेल अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस विल टेल अबाउट व्हाट एक्शंस टू टेक टू अचीव योर गोल्स, व्हाट एक्शंस to take, what actions to take. Descriptive is what has happened, क्या हुआ था, जब ऐसा हुआ था तो last में, past में ऐसा क्या हुआ था, या past में जाके देखोगे कि Uber वाला देखेगा कि दिवाली के time taxi का demand कैसा था, rainy season के time taxi का demand कैसा था, तो what has happened, so what can happen, predictive analysis वो बताता है। All right. एंड वॉट एक्शंस टू टेक, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बता देगा कि इन इन ड्राइवर्स को यहाँ पे अरेंज करके रखो, उनको भी पहले से ये खबर करके रखो, रेट्स आप सर्ज डिमांड का थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हो। ऑलराइट, जैसे एग्जाम्पल में उबर का यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम में आएगा नहीं है बट ये जानने के लिए बहुत अच्छा है कि उबर किस तरीके से ये डेटा एनालिटिक्स को यूज करके इतना बड़ा बना है। ऑलराइट, तो मैंने आपको एग्जांपल वैसे दे दिया कि वो लोग को पता होता है कि कहां से डिमांड आएगा, तो अपने ड्राइवर्स को वो खबर कर देते हैं कि तुम यहां चल जाओ, वहां से अभी कस्टमर मिलने वाला है। ओके, तो ये आपके सेल्फ रीडिंग के लिए है, और आपको अब याद क्या करना है और समरी नोट्स क्या चीज का बनाना है। राइट, तो हर यूनिट के साथ साथ हम लोग बनाते जा रहे हैं, इससे बढ़िया सौगात आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है कि आप संग संग चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या लिखना है, यहां पे स्ट्रेटजी का मीनिंग लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन, स्ट्रेटजी मींस, मैंने यहां पे लिखा है, क्या लिखा था मैंने, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, स्ट्रेटजी मींस वेज ऑफ अचीविंग गोल, यहां लिखा है ना, और उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो लिखना है। तो स्ट्रेटजी मींस वेज ऑफ अचीविंग गोल, पहले मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, आप पूरा समझ लो, फिर आप आराम से बनाना वीडियो पॉज कर करके। फिर स्ट्रेटजी के एंगल्स क्या है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटजी, क्या बोलेंगे हम इसको, पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटजी, पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो पर्सपेक्टिव्स में क्या है, फाइनेंशियल प्लान है, दूसरा मैंने बोला था जैसे क्वालिटी है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अलग अलग सोचा ना, तीसरा हमने सोचा कस्टमर ओरिएंटेशन है, चौथा हमने सोचा एचआर और लर्निंग है। और भी एंगल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको इनोवेशन हो सकता है, देर आर डिफरेंट एंगल्स टू थिंक अबाउट स्ट्रेटजी, there are different angles to think about strategy. third point ko samjho, third point hai strategy ke 5 doctrines kya hain, 5 doctrines of strategy, wo ab main nahi likhunga points बट आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये सब पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में उतारने हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन में एक जैसे 5 पॉइंट था, छोटा छोटा वर्ड्स ही लिख लें, पूरा पूरा सेंटेंस लिखने का दरकार नहीं है, और वो डॉक्ट्रिन ये रहे, क्या क्या थे, ऑपरेशनल टर्म्स में डालना है, अलाइनमेंट करना है, एवरीडे परस्पेक्टिव में आना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ऑपरेटिव लीडरशिप चाहिए, ऑपरेटिव लीडरशिप, या लीडरशिप वर्ड पकड़ लिया, तो ओ ए ई सी एल से वर्ड्स बनाओगे,
समझ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, आपको इसमें से बनाना है पॉइंट स्ट्रेटजी मैप का। नेक्स्ट पॉइंट आप बनाओगे स्ट्रेटजी मैप। व्हाट इज स्ट्रेटजी मैप, उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है। व्हाट इज स्ट्रेटजी मैप, कहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है। दिस इज स्ट्रेटजी मैप डेफिनेशन। A strategy map is a visualization of entire strategy of the organization. It shows cause and effect relationship between components of an organization's strategy. It helps develop highly effective strategy that can be actually implemented. ठीक है? It connects different performance targets into mutually supporting fundamental chain. Okay? तो ये definition है, ये आप बोल सकते हैं ये इसका uses है। डेफिनेशन और यूजेस, तो मैं दोनों यहां पे लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी मैप चाहिए, फिर हम लोगों को यूजेस ऑफ स्ट्रेटजी मैप चाहिए। फिर आपको टूल्स ऑफ स्ट्रेटजी मैप बोलना है, टूल्स ऑफ स्ट्रेटजी मैपिंग, जिसमें आप क्या बोलेंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड का अगर आप वो ड्राइंग बना ले, या आप चार पर्सपेक्टिव होता है ये आपको पता होना चाहिए, फोर पर्सपेक्टिव्स, और उसका वो फ्लो डायग्राम बना लें आप जैसा यहाँ बुक में बनाया हुआ है, तो भी आपको अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो क्या होता है थोड़ा भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट क्या होगा, फिर आएगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड वर्सेस रिवर्स। फॉरवर्ड मतलब हो गया ट्रेडिशनल, और रिवर्स मैपिंग मतलब आपका मॉडर्न। तो उसका जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको ऊपर में जब इंट्रोडक्शन में समझाया था वहां से आप उठाओगे। कहां से उठाओगे, यहां से, टॉप डाउन बॉटम अप, मैनेजमेंट जो सोचा, कस्टमर जो सोचा, एंड वेज मीन्स रिवर्स मैपिंग। ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है, फिर आप बोलोगे कि ये नॉट गुड फॉर अनसर्टेनिटी, दिस इज गुड फॉर अनसर्टेनिटी, गुड फॉर अनसर्टेन एनवायरमेंट। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, समझ गए। मैं नहीं लिख रहा, आपको बस यहां से उतार लेना है। ओके, तो आपका ये सब कवर हो जाएगा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, डेटा एनालिटिक्स, आठवां नंबर पॉइंट आएगा डेटा एनालिटिक्स, या बिजनेस एनालिटिक्स बोल सकते हो। व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स एंड इट्स यूजेस एंड टाइप्स। बिजनेस एनालिटिक्स में एक व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स, एक ऐसा काम है जो कोई भी डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन के डिस्पोजल में है उसको मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मीनिंगफुल इंसाइट्स, ये कीवर्ड मैं बोल के रख देता हूं जो आपको वहां से डेफिनेशन मिल जाएगा। फिर उसका यूजेस, यूजेस है ना चार, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो एक आइडिया के लिए मैंने एक पॉइंट लिख दिया। फिर क्या था, चार टाइप था, डिस्क्रिप्टिव, याद आ रहा है, व्हाट हैपेंड, डायग्नोस्टिक, व्हाई हैपेंड, फिर क्या था, प्रेडिक्टिव, व्हाट विल हैपन, और चौथा क्या था, प्रिस्क्रिप्टिव, व्हाट एक्शंस टू टेक, व्हाट एक्शंस टू टेक। दिस इज योर बिजनेस एनालिटिक्स, करेक्ट हो गया। फिर दो सॉल्ट केस था, वो तो एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, अब आ गया तो आ गया, कोई खास बात नहीं, आप एग्जाम्पल में ये पढ़ के रख सकते हो, बट एग्जाम में केस स्टडीज खाली बनाएगा तो बनाएगा, बट एसपीएम में नॉर्मली केस स्टडीज कभी नहीं आता, वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन से बना हुआ है, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी केस स्टडी नहीं आया, तो आपको उतना वरी करने का दरकार नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, आप अपना मन से पॉइंट्स लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोगों को समरी नोट अभी बनाना जरूरी है, कि हम इसको अभी बना लेंगे तो एग्जाम तक हम इसी को 5-7 बार पढ़ पाएंगे।
और समरी नोट्स अच्छी क्वालिटी का पेज में बनाइएगा भैया, सड़ा हुआ पेज में मत बनाइएगा, आप लोग है ना कंजूसी करते हैं बहुत बार, तो क्या होगा वो टिकेगा ही नहीं एग्जाम हॉल तक। ओके, तो आप इसको बना लो अभी, और मैं यहाँ पे अभी क्लोज कर रहा हूँ, आप इसको रेफर कर लो वीडियो आगे पीछे करके, मैं भी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपको अगले यूनिट में मिलता हूँ। डन, वेरी नाइस, इजी है, कंसेप्ट याद रह जाएगा, कभी कोई भूलेगा नहीं रिवर्स मैपिंग, डेटा एनालिटिक्स भी और स्ट्रेटजी मैप के बारे में भी कोई नहीं भूल सकता है।